हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर 2020 का ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। एंड इस बार देखिए ऑफलाइन एग्जाम्स थे, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन बोलेंगे इसको, ऑल दो आपको घर से ही देने थे ये एग्जाम्स, कोई सेंटर पे नहीं जाना था। तो वो वाला क्वेश्चन पेपर है ये। यहाँ पे अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, सेलेक्टिंग ईच यूनिट से आपका एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना था और क्वेश्चन 1 कंपलसरी आपका रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी, उसके बाद आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने हैं हर यूनिट में से एक क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एंड फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम और स्पेस इन हिस्ट्री। देन नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ पेडागॉजिकल एनालिसिस। पेडागॉजिकल एनालिसिस का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड ये देखिए जितने भी पेडागॉजी के सब्जेक्ट्स हैं सभी में पूछा जाता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आता ही आता है, तो इस पे आप फोकस अपना जरूर रखें। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री, की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए इतिहास की, उसकी विशेषताएं आपको लिखनी है। देन अप्रोचेस ऑफ टीचिंग ऑफ हिस्ट्री, तो अप्रोचेस पे क्वेश्चन, और जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे पेडागॉजिकल एनालिसिस पे इन पे क्वेश्चन आते ही हैं, तो इनको इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। नेक्स्ट यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन है, कोई एक आपको करना है, हर यूनिट से एक ही क्वेश्चन आप करेंगे। डिस्कस द स्कोप एंड प्लेस ऑफ टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। तो यहाँ पे स्कोप डिस्कस करनी है आपको, प्लेस ऑफ टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एट सेकेंडरी स्कूल लेवल, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर इतिहास शिक्षण के क्षेत्र एवं स्थान का वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट इज डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ हिस्ट्री विद अदर स्कूल सब्जेक्ट्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। यहाँ पे सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में से बात की जाए तो थर्ड वाला ज़्यादा ईजी है, जिसमें आपको हिस्ट्री को आप क्या रिलेशनशिप है हिस्ट्री का बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। लाइक साइंस के साथ क्या रिलेशनशिप है या कॉमर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, हर चीज़ का इतिहास होता है तो हर चीज़ में हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है हर सब्जेक्ट के साथ, तो वो रिलेट करते हुए आपको लिखना है। नेक्स्ट इज यूनिट 2 से क्वेश्चन 4 और 5 है, कोई भी एक आपको यहाँ पे करना है। क्वेश्चन 4 है, हाईलाइट अ डिटेल्ड पेडागॉजिकल एनालिसिस ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इंदस वैली सिविलाइजेशन को ही उस पे पेडागॉजिकल एनालिसिस ना करें, पहले बताएं पेडागॉजिकल एनालिसिस क्या है, थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखें लाइक 1 पेज या 1.5 पेज, उसके बाद इंदस वैली सिविलाइजेशन के जो पेडागॉजिकल एनालिसिस आप करेंगे वो करें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन लेसन प्लानिंग एट सेकेंडरी स्कूल स्टेज। अब देखिए सेकेंडरी स्कूल स्टेज पे माध्यमिक विद्यालय स्तर पे लेसन प्लानिंग के जो स्टेप्स होते हैं वो लिखने हैं। बेसिकली यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज लेवल लिखा है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस ये देख सकते हैं। सेकेंडरी स्टेज सभी का देखिए लेसन प्लानिंग का लेवल सेम होता है, बस एक्टिविटीज वगैरह हम बच्चों के एज लेवल को देखते हुए कराते हैं। तो लेसन प्लानिंग के एक लेसन प्लान लिखकर भी दिखाए लास्ट में, और पहले लेसन प्लान के क्या होता है, लेसन प्लान उसके करेक्टरिस्टिक्स एडवांटेजेस एंड देन उसके कंपोनेंट्स, ये सब आप इसमें प्रिंसिपल्स भी डाल सकते हैं, वो सब जरूर करें। एंड लास्ट में एक सैम्पल लेसन प्लान छोटा सा बनाकर जरूर दिखा दें। नेक्स्ट इज यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, कोई एक आपको करना है। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल से आप क्या समझते हैं। साथ में एक्सप्लेन द नीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एट सेकेंडरी लेवल। तो व्हाई देयर इज नीड टू डेवलप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल सेकेंडरी लेवल पे। तो सेकेंडरी लेवल देखिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, सो दैट आपके माइंड में बच्चों का एक एज लेवल रहे। ऑल दो चीजें सेम है, तो सेकेंडरी लेवल पे कुछ अलग होगा तो ये आपको नहीं सोचना है, सेम ही चीज रहेगी। इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग ऑफ द क्वेश्चन जो किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एट सेकेंडरी स्टेज लेवल। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है कि कैसे आप कंप्यूटर्स को यूज करेंगे या कंप्यूटर्स का क्या महत्व है,
मतलब बच्चों को पढ़ाते हुए, तो सेकेंडरी स्कूल स्टेज लेवल पे ही इतना ना सोचे। तो इम्पोर्टेंस क्या है कंप्यूटर की, पढ़ाते हुए बच्चों को हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, नीड क्या है तो वो आपको लिखना है। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे कि कंप्यूटर इन टीचिंग होता क्या है, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में क्यों मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड कंप्यूटर से थोड़ा सा एक पैराग्राफ, छोटा सा 2-3 बुलेट लिखते, देन उसके बाद नीड्स पर आए, देन उसके बाद इम्पोर्टेंस पे आए, क्योंकि इंट्रोडक्शन हमेशा जरूरी होता है। लाइक इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि आज का युग जो है वो टेक्नोलॉजी का युग है, और कैसे आज के युग में हर सब्जेक्ट में जरूरत है कि टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाया जाए, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज किया जाए, एंड देन आप नीड्स और इम्पोर्टेंस पे आ सकते हैं। देन नेक्स्ट इज यूनिट 4, यहाँ से क्वेश्चन 8 और 9 है, कोई एक आपको करना है। क्वेश्चन 8 इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दैट इज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपको बताने हैं। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है और इजी है, हर जितने भी पेडागोजी के सब्जेक्ट्स हैं सभी में ये टॉपिक है प्रोजेक्ट मेथड का, तो इम्पोर्टेंट मार्क करें। साथ में इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन से आप क्या समझते हैं, आर डिस्कस करने हैं ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन किसके कॉन्टेक्स्ट में, टीचिंग ऑफ हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। तो इवैल्यूएशन का टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। साथ में जो हमारी नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए हो या प्रिंटेड नोट्स चाहिए हो तो वो भी आपको मिल जाते हैं स्पीड पोस्ट के द्वारा, जिसका देखिए सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे आपको एक टॉपिक को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अटेंड करना है, क्या क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, साथ में प्रिंसिपल्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, करेक्टरिस्टिक्स, जो भी एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक टॉपिक के अकॉर्डिंग नीड होती है, तो वो वहां पे सारा उसी तरीके से लिखा हुआ है। तो एक तरह से समरी नोट्स हैं एंड बिल्कुल अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज बींग अ बेस्ट टीचर। थैंक यू।